नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों यहां पे जो है आज एक खास टॉपिक एजेक्टर रॉड को सेट करना मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत कंफ्यूजन होता है एजेक्टर रॉड कैसे सेट किया जाता है जब आप नए नए जाते हो मशीन पे। अगर एजेक्टर रॉड सेट करने को कह दिया जाए तो इम्पॉसिबल होता है एक तरीके से कि उसको सेट कर पाए। इसलिए होता है ये पॉसिबल नहीं क्योंकि आपको सेटिंग नहीं पता होती इजेक्टर रॉड को कैसे सेट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कैलकुलेटिव वे में इजेक्टर रॉड को सेट करना है और समझना है। चैनल पे नए हो या पुराने हो, सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो प्लीज एक दिल से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी दबा दीजिए। दूसरी चीज, अगर आप और डिटेल में सीखना चाहते हो इंजेक्शन मोल्डिंग को तो सिंपली जाइए प्लास्टोटेक नाम का हमारा ऐप है प्ले स्टोर में, प्लास्टोटेक करके ऐसे लिख दीजिए वहां पे और जो है ऐप आ जाएगा हमारा, उसको जो है उसमें जाइए इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स एनरोल करिए। हर एक चीज का बढ़िया वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर जैसे लिखा है कनेक्ट द एजेक्टर रॉड टू द एजेक्टर पिस्टन। एजेक्टर पिस्टन क्या होता है, पिस्टन का काम क्या होता है, उसको आगे पीछे कराता है एजेक्टर को एक तरीके से। जैसे पिस्टन, जैसे आपकी गाड़ी वगैरह में लगा होता है इंजन में, पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे करता है, उसी तरीके से इसमें इस तरीके से पिस्टन होता है कि आपके एजेक्टर को आगे पीछे ले जाने के लिए काम करता है। मान लीजिए कि ये आपका मशीन पे ये आपकी एजेक्टर पिस्टन है, ये क्या है आपका पिस्टन, यहां पे आप एजेक्टर रॉड को फिट करते हो। ये मान लीजिए आपकी इजेक्टर रॉड है और आपने इजेक्टर रॉड को फिट किया, यहाँ पे फिटिंग के लिए बना होता है, आप बस इजेक्टर रॉड को उसमें पिस्टन पे फिट कर दीजिए। अब क्या करना है, अब यहीं पे दोस्तों आपकी प्लेट भी होती है जो मूविंग प्लेट, तो और यहाँ पे आप मोल्ड को फिट करते हो। मान लीजिए ये आपका मोल्ड है, ये आपका मोल्ड है और यहाँ पे मोल्ड के आपका एजेक्टर प्लेट है एक तरीके से, अंदर थोड़ी छोटी सी लगाई गई पीछे, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। तो यहां पे आप मान लीजिए कि एजेक्टर प्लेट, तो अब क्या करना है आपको, हाइड्रोलिक एजेक्टर पेज पे जाइए, सेटिंग मोड पे आपको करना है। अभी कुछ नहीं जानते आप, इतना आपने कर दिया है, अब क्या करना है, मूव द एजेक्टर पिस्टन फॉरवर्ड बिट बाय बिट। अब धीरे धीरे करके एजेक्टर को आगे की तरफ, वहां पे एजेक्टर वाली बटन दबाएंगे तो एजेक्टर फॉरवर्ड वाली, तो एजेक्टर आगे की तरफ जाएगा। कब तक लेके जाना है, जब तक ये मेक्स कॉन्टैक्ट विद द एजेक्टर प्लेट इन द मोल्ड, तब तक जब तक ये जो मोल्ड के अंदर आपके एजेक्टर प्लेट लगी होगी उससे जाके वो टच हो जाए, तो कुछ एक वैल्यू लिख के आएगी वहां पे। मतलब जब आप सेट मोड पे आगे लेके जाओगे एजेक्टर को तो एक वैल्यू आएगी एक्स करके। मान लीजिए एक्स आया आपका 10 mm, 10 mm जो है आपका एक्स आया। जब आपने आगे किया तो देखा वहां पे मशीन पे तो लिखा हुआ था, जैसे साइड में ज्यादातर मशीनों पे दिया होता है यहां पे, तो पोजीशन आपको मिल जाएगी जैसे 10 mm पोजीशन आई। अब क्या करना है, लेट द इजेक्टर स्ट्रोक रिकमेंड फॉर द मोल्ड बी y mm। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए जो है मोल्ड को कितना जरूरत है इजेक्टर की, वो अभी हमने मान लिया उसको लेट बी वाई वाई एम एम है, अभी हमको कुछ नहीं पता वाई एम एम है। आगे लेके गए, जैसे मान लीजिए उसको पुश करा के आगे ले गए तो यहाँ पे वाई एमएम दिया गया। मैं एग्जांपल बताता हूँ, वाई को जो है एक नंबर दे देते हैं। मान लीजिए जब आप सेट मोड पे आगे लेके गए और रिक्वायरमेंट आप देख रहे हो आपके मोड की कितनी है, तो आपने देखा कि 40 mm, 40 mm में आपका काम जो है वो हो रहा है। तो अब आपको कैसे सेट करना है उसको, सेट द फॉरवर्ड स्टॉप पोजिशन ऑफ रेजिस्टर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एमएम। अब फॉरवर्ड पोजिशन कितनी सेट करनी है वो ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड पोजीशन, फॉरवर्ड पोजीशन कितनी रखनी, एक्स प्लस वाई एम एम, एक्स प्लस वाई मतलब 10 + 40 इक्वल टू 50 mm। आप कितना सेट करना है, आपको 50 mm सेट करना है। सेट द एजेक्टर रिटर्न पोजीशन कितना करना, एक्स के बराबर सेट कर देना है यहां पे जो है 10 mm। तो इस तरीके से आप सेट करोगे तो बहुत आसानी के साथ आप एजेक्टर प्लेट वगैरह को सेट कर पाओगे, जो है अपने पिस्टन किस तरीके से सेटिंग देनी, तो आप ये सारी सेटिंग आपको शुरू में सेटिंग मोड जो सेट मोड होता है उस पर करिएगा, बड़ी आसानी के साथ आप एजेक्टर को कर पाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो से जुड़े रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत दोस्तों।